हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंह आर्चरी। मेरा नाम है जसमिंदर और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कोरियन ट्रेडिशनल बो, यानी कि जिसे हम केटीबी भी कहते हैं। इसे बनाया है डेलाइट आर्चरी ने और इस मॉडल का नाम है मोनार्क। बहुत एग्रेसिव बो है ये, वेरी लाइट वेट, बहुत लाइट वेट है और करीबन इसका जो लेडन वेट है वो 350 ग्राम के करीब है और इसकी जो लेंथ है वो 50 इंचेस की इसकी लेंथ है। पीछे यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है। इसे कहा जाता है योंग मू गू। और दोस्तों, इसका ड्रॉ वेट है 55 LBS और इसे आप 32.2 इंचेस तक इसे मैक्सिमम आप खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसके जो लिंब की जो विड्थ है ये है 1 इंच की और आप इसकी ग्रिप देख सकते हैं, ये कोरियन ट्रेडिशनल ग्रिप है। दोस्तों, इसका जो ग्रिप है वो बहुत बढ़िया है, इस तरीके से इसको पकड़ा जाता है और यहाँ पर बड़ा कुशन इफेक्ट देती है ये। इसके दोनों तरफ स्ट्रिंग वाइंडिंग हो रखी है और यहाँ पर भी बहुत अच्छा इन्होंने स्ट्रिंग वाइंडिंग कर रखी है टिप्स के पास, स्ट्रिंग ब्रिजेस के पास। और ये स्ट्रिंग ब्रिज, इसके प्लास्टिक के स्ट्रिंग ब्रिज दिए हुए हैं और ये मेपल की लकड़ी से इसको बैक किया हुआ है। यहाँ दोनों तरफ टिप्स पर ये मेपल वुड है, अंदर भी इसके कैनेडियन मेपल, फाइबर ग्लास और कार्बन से इसको लेमिनेट किया गया है। बहुत बढ़िया, इसके ऊपर इन्होंने कार्बन स्टाइल की ही कवरिंग दे रखी है। आइए इसको ब्रेस करते हैं। ब्रेस करने से पहले मैं इसके स्ट्रिंग के बारे में बता देता हूँ आपको। दोस्तों, ये 4 इंच की स्ट्रिंग सर्विंग दे रखी है और दोनों तरफ स्ट्रिंग सर्विंग जो इसके जो एंड्स हैं वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर इन्होंने गांठे दे रखी है। और ये BCY स्पेक्ट्रा का स्ट्रिंग है। आइए इसको हम स्ट्रिंग करते हैं। स्ट्रिंग करते टाइम ध्यान रखा जाए कि ये स्ट्रिंग ब्रिज के ऊपर आए इसके सेंटर, और ये इस तरीके से अपनी शेप ले लेता। अब इसकी बड़े लचीले इसके लिम्स हैं और नहीं स्ट्रॉन्ग इसके टिप्स हैं। ड्रॉ एकदम स्मूथ है और आपको पावर का एहसास भी इसके साथ मिलता है। दोस्तों, कोरियन बोस की खासियत है कि इन्हें ये लॉन्ग रेंज के लिए मशहूर हैं। इसे कम से कम 145 मीटर का इसका टारगेट होता है और कोरियंस ने अपना ये ट्रेडिशन बड़े सलीके से और बड़े ही शिद्दत से इसे कैरी किया है, इसे आगे लेकर गए हैं। कोरियंस ने अपनी ट्रेडिशनल आर्चरी को हमेशा से बचा के रखा है और इसे एक नए आयाम पर लेकर गए हैं। आज उनके पास ओलंपिक्स में 39 मेडल्स हैं, 39 मेडल्स, और बो मेकिंग में भी उनका कोई सानी नहीं है। बहुत बढ़िया बोज बनाते हैं, मॉडर्न टेक्निक के साथ हाइब्रिड बोज उन्होंने बनाए हैं। ये कार्बन के साथ बना हुआ बो है और इस कमान में कोई कमी नहीं है। बहुत बढ़िया लॉन्ग रेंज ये एरो, अपने एरो को शूट कर सकते हैं आप इससे और उतनी पावरफुल तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेलाइट आर्चरी का ये बो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा और आइए इसका स्पीड टेस्ट भी करेंगे और इसकी परफॉर्मेंस भी आपको दिखाऊंगा। टॉनकिन बैम्बू एरो 25 ग्राम्स, 28 इंचेस, 182 FPS, 30 ग्राम्स, 28 इंचेस, 160 FPS,
19 ग्राम्स बेम्बू एरो, वन 93 FPS, अनदर 19 ग्राम बेम्बू एरो, वन 86 FPS, दिस इज 17 ग्राम्स बेम्बू एरो, इंडियन बेम्बू, टू 03 FPS, टॉनकिन बेम्बू 28 ग्राम्स 28 इंचेस, वन 63 FPS, नाउ फ्रेंड्स ये है 32 इंच का एरो और 32 ग्राम ही इसका वज़न है। पाइन वुड, वन 69 FPS कार्बन एरो। क्या स्पाइन क्या उसकी ग्राम कार्बन एरो, वन 67 FPS, दिस इज 25 ग्राम भूटानी एरो, थर्टी इंचेस, 171 FPS, दिस इज 29 ग्राम्स टॉनकिन बेम्बू, 28 इंचेस, 162 FPS। सो नाउ आइए इसका रिव्यू करते हैं। हाईएस्ट इज 203 FPS एंड लोएस्ट इज 160 FPS, सो एवरेज कम्स टू 175 FPS।
तो दोस्तों आपने कोरियन ट्रेडिशनल बो मोनार्क की परफॉर्मेंस अभी देखी, बढ़िया ड्रॉ है इसका, स्मूथ ड्रॉ, तो 30 इंचेस तक इसका ड्रॉ चले जाता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हैवी एरोज़ को भी आराम से उठा लेता है और लाइट एरोज़ को भी, लाइट एरोज़ से ये 200 FPS से भी ऊपर की स्पीड दे देता है और कम से कम ये 145 मीटर्स तक की रेंज में आराम से टारगेट को हिट करता है। कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, जो लोग प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स वगैरह करना चाहते हैं ये हाईली रिकमेंडेड बो है, बहुत बढ़िया, आपको निराश नहीं करेगा और आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों मोनार्क आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों सिंह आर्चरी की तरफ से आप सबको शुभकामनाएँ और हमारे आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। ऑल द बेस्ट।